रही है। और पाल जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत एक बैठक हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बुलाई थी और उसमें हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहुत से विभागों के अधिकारीगण आए थे और उसमें हमने एक ही विषय रखा था कि 1980 को से लगातार गंगा को साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है। उससे पहले भी सतत प्रयास हुए हैं लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी उसके बाद नमामि गंगे के कार्यक्रम को और तेज किया गया और 28,000 करोड़ रुपया पिछले 6 वर्षों में खर्च करने के बाद आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि गंगा के पानी की क्वालिटी में कोई अंतर आया है और अब बहुत स्वच्छ जल गंगा में देखने को मिल रहा है और हमने गंगा को साफ करने की दृष्टि से कोई 325 के लगभग प्रोजेक्ट लिए थे जिसमें से काफ़ी 150 से ऊपर हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमने STP लगाए, CETP लगाए और बहुत से कार्यक्रम उसमें हमने चलाए। जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो उसके साथ जिससे गंगा के बेसिन में ही मिलता है, वो है यमुना। और यमुना का उद्गम जो है वो वैसे तो यमुनोत्री से अपना जहाँ से निकलती है वहाँ से, लेकिन ये मानकर चला जाता है कि उसका जो संचालन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है, वो हथनी कुंड से चलता है। और अब धीरे धीरे ये सोच पनप रही है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लखवार, कसाऊ, रेणुका इन सब के ऊपर एक डैम बनाकर पानी नीचे लाने का सपना साकार किया जाए ताकि आने वाले समय में यमुना का भी ई फ्लो बन सके। और आज ही अधिकारियों ने मुझे एक प्रपोजल और दिखाई जो अभी अंडर कंसीडरेशन है, एक डैम और बन जाए तो पानी पर्याप्त मात्रा में हमें उसको मिल जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यमुना की आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें ना तो कंटिन्यूसली ई फ्लो है, बरसात के समय में ही पानी आता है और ना ही उसकी सफाई है और वो शुरू से ही मैली होनी शुरू हो जाती है यमुनानगर से ही और फिर उस बीच में पानीपत आ जाता है, सोनीपत आ जाता है, आगे फिर दिल्ली शामिल हो जाता है, तो आगे जैसे जैसे चलता रहता है तो पानी और गंदा होता है।
उसको साफ करने की दृष्टि से यमुना के ऊपर भी जो है स्टिक भी लगाए गए हैं और जितनी जितनी जिस शहर की कैपेसिटी है उतने भी लगाए हैं, कुछ अनट्रीटेड भी रह गया है। लेकिन अल्टीमेटली पानी जो है वो जाकर फिर यमुना में ही गिर रहा है, चाहे वो अनट्रीटेड है चाहे वो ट्रीटेड है। और आज भी दो चार जगह हम जाके आए हैं जो हमने देखा है कि अभी हम गए थे जिस स्थान पर पानी बिल्कुल ऐसा साफ दिखाई दे रहा था और गंदा पानी भी दिखाया गया, लेकिन उसके साथ ही एक स्थान और है, अगर वहाँ पर देखें तो वहाँ पर वो जो बीओडी की मात्रा है जो दिखाया गया उसमें तो 8% से भी नीचे दिखा रही दिखा रखी थी, 5% तक आ गई थी। लेकिन फिर भी जहाँ वो स्थान है तो वहाँ 200 के लगभग है। तो ये था कि भाई वो पानी गंदा फिर कहाँ से आया और उसके लिए क्या हमारी रणनीति है, क्या हमारी सोच है, कहाँ पर हम खड़े हैं, तो उसका अध्ययन करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। और आज की बैठक में हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण भी हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिला के सबसे बड़े मुखिया भी बैठक में हैं, अन्य अधिकारीगण हैं। तो हम इस बैठक में थोड़ा सोच विचार करें और कोई कंक्रीट प्रपोजल आने वाले समय के बारे में हम सोच विचार कर निकालें और एक एक्शन प्लान बनाएं और उस एक्शन प्लान पे आने वाले समय में काम हो तो हमारे जनप्रतिनिधि भी अपनी अपनी बातें बाद में रखेंगे। तो इसके साथ एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन का भी